Hi friends, so today we are going to study how to arrange words in a dictionary. So, aaj hamare paas ek word hai ice, ICE. To hum isko ascending order mein iske words ko arrange karte hain. Sabse pehle aata hai hamare paas C, then we have E and then we have I. So, hamara ascending order ho jata hai C, E, I. To ye hamara ascending order ho gaya C, E, I. And here we have three blocks which are to be filled with these three words. तो हमारे पास सबसे पहले words आते हैं starting with C. C से जो words start होंगे उनके कितने ways होंगे? C तो fix है, ये तो word हो गया fix. बाकी हमारे पास दो blank blocks बचते हैं जिनको हम या तो I यहाँ पर, E यहाँ पर या फिर हम E यहाँ पर, I यहाँ पर ऐसे फिल कर सकते हैं. तो हमारे पास कितने वेज हो गए? टू वेज. या फिर हम लिख सकते हैं टू फैक्टोरियल वेज. और स्टार्टिंग विद E, अब यहाँ पर हमारा E फिक्स हो गया. अब हम इसको कैसे फिल कर सकते हैं? C यहाँ पर, I यहाँ पर, I यहाँ पर, C यहाँ पर, ये भी हमारा टू फैक्टोरियल वेज में फिल हो सकता है. अब हमारे पास आता है सी भी हो गया, ई भी हो गया, अब हमारे पास स्टार्टिंग विद आई आएगा. सी के आगे तो हमने वर्ड इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि हमें सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स चाहिए ही नहीं थे. ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी हमें नहीं चाहिए, बट आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हमें चाहिए. सो आई के बाद हम यहाँ से फर्स्ट लेटर लेते हैं सी. आई सी से भी स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हमें चाहिए हैं. सो यहाँ से हम सेकेंड लेटर भी ले लेंगे, दैट इज ई, आई सी ई. ये तो हमारा वर्ड ही बन गया. सो इसको फिल करने के सिर्फ वन वे होगा, आई सी ई. सो इट हैज ओनली वन वे और वन फैक्टोरियल वेज. तो टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू, टू फैक्टोरियल अगेन टू, वन फैक्टोरियल वन. तो टोटल वेज हमारे पास हो गए टू, टू एंड वन, दैट इज फाइव वेज. तो रैंक ऑफ दिस वर्ड आइस इज फिफ्थ. इसको हम चेक भी कर सकते हैं आइस की रैंक कैसे आएगी हमारी डिक्शनरी में. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा सी ई आई, सेकेंडली हमारे पास होगा सी आई ई, फिर हमारे पास ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे ई सी आई, फिर होगा ई आई सी, देन वी विल हैव आई सी ई. तो हमारा वर्ड जो है आइस उसके फिफ्थ रैंक है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस वर्ड इज हैविंग फिफ्थ रैंक. सो ये हमारा हो गया चेक. इस तरह से हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड एंड लाइक्ड माई वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस. अगर कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी इन दी कॉमेंट बॉक्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.